मैंने व्रत लिया है, संकल्प किया है कि 2022 आजादी के 75 साल होंगे तब तक हिंदुस्तान में एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसका अपना खुद का पक्का घर नहीं होगा। मैंने मन में ठान ली है, अगर आपके मुझे आशीर्वाद मिल जाए मैं ये सपना पूरा कर दूंगा। 2022 तक देश में सभी को पक्का घर बनाकर बांटने वाले प्रधानमंत्री बने बनाए घर भी उजाड़ने पर तुले हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे द मिरर टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। साहब ने कहा था जहां जुग्गी वही मकान, लोगों ने आंख मूंद कर विश्वास भी कर लिया, लेकिन साहब जो बोलते हैं वो करते कहां हैं। 2018 में स्टेज पर चढ़कर प्रधानमंत्री मोदी जी लोगों से कह रहे हैं कि 2022 तक एक भी ऐसा परिवार नहीं होगा जिसका अपना खुद का पक्का घर नहीं होगा। दोस्तों पक्के घर बनाने का तो पता नहीं, लेकिन जिन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से घर बना रखे थे, सरकार उस पर भी बुलडोजर चलवाकर देशवासियों का कल्याण कर रही है। लंबी लंबी फेंकना बहुत आसान है, लेकिन उसको लपेटना उतना ही मुश्किल। गरीबों के कल्याण का ढोल पीटने वाले मोदी जी फरीदाबाद के खोरी गांव की आवाज क्यों नहीं सुनते हैं? कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी को खोरी गांव के लोगों की आवाज सुनने से राहुल गांधी ने तो मना नहीं कर दिया। फरीदाबाद का खोरी गांव सालों से बसा हुआ है। इस गांव की आबादी लगभग 1 लाख बताई जाती है। देश हितों में काम करने वाली सरकार खोरी गांव के लोगों को नजरअंदाज क्यों कर रही है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से ही खोरी गांव पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। बिना बिजली बिना पानी के लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं, ये हम आपको अपनी पिछली स्टोरीज और ग्राउंड रिपोर्ट करके बता चुके हैं। लेकिन अब खोरी गांव को लेकर क्या अपडेट सामने आई है, ये मैं आपको इस खबर में बताने वाली हूँ। खोरी गांव के लोगों को अब कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, ये भी मैं आपको इस खबर में बताने वाली हूँ, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को आखिर तक देखना होगा। दोस्तों खोरी गांव के लोगों के आशियानों पर एक बार फिर बुलडोजर चलाने की तैयारी हो रही है। प्रशासन ने सुरक्षा बलों को अलर्ट जारी कर दिया है। दोस्तों मैं और आप सुकून से अपने घर बैठे हैं, हमें खाने के लिए खाना मिल रहा है, सोने के लिए मुलायम बिस्तर, पीने के लिए ठंडा पानी, लेकिन खोरी गांव के लोगों के सर पर छत तक नहीं है। चिलचिलाती गर्मी में खोरी गांव के लोग धूप में बैठे हुए हैं। घर के नाम पर टूटी फूटी ईंटें हैं, पानी के नाम पर काई जमा हुआ ऐसा पानी है जो जानवरों के पीने के लायक भी नहीं है, लेकिन खोरी गांव के लोग वही पीकर गुजारा कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग करते वक्त एक सरदार जी मिले थे जिनकी 8 बेटियां हैं। पत्नी गर्मी ना झेल पाने की वजह से अस्पताल में भर्ती है। सरदार जी की बेटियां सड़ा हुआ पानी पीने के लिए मजबूर हैं। ये पानी आप देखिए, जो सरकार ने पानी और बत्ती बंद कर दिया, प्यास से मर रहे इसको बच्चे, खेच बेट खेच पानी भर ले जल्दी, छाने के छानो और उबालो पियो, इसको पानी उबाल उबाल के छान छान के पी रहे, मेरे बच्चे इसको पानी पी रहे, यदि इनकी औलाद के सामने आएगा तो ये क्या करेंगे, ये पानी पियेंगे, इनको तो बहुत बिसलरी का पानी चाहिए, डॉक्टरी करके पानी पीते हैं, हम लोगों को पानी देखो सड़ा हुआ है, हैं बच्चे हमारे मन नहीं रहे, सारी जिंदगी की कमाई बेटी मैंने यहाँ लगा दिया, सारी जिंदगी की कमाई लगा दिया, मेरी बुढ़िया को 8 दिन हो गए बीमार पड़ी है, दवाई करा रहा हूँ इधर उधर, लेकिन पैसे नहीं, हाथ जोतता हूँ डॉक्टरों के मेरी बुढ़िया को बचा लो, यहाँ पर पानी नहीं है, बत्ती नहीं है, मेरी बुढ़िया अस्पताल में सफदरजंग में पेड़ों के नीचे बैठी है। बेटियों को बचाने वाले आज बेटियों को सड़क पर सोने को मजबूर कर चुके हैं। बड़ी बड़ी बातें और दावे ठोकने वाले आज खोरी गांव की महिलाओं को इस हद तक मजबूर कर चुके हैं कि उन्हें सड़कों पर सोना पड़ रहा है। हमारे बच्चे छोटे छोटे कहाँ लेके जाएंगे, किराए के घर पे जाओ तो पहले तो पूछते हैं कि कितने फैमिली हो, अब बच्चे बच्चे लेके तो हम कितना दिन रह सकते हैं बताइए आप। जी मोदी जी कहते थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप देश की बेटी हैं और सड़कों पर रात गुजारने को मजबूर, वही तो मोदी जी को सोचने चाहिए ना कि जब ये जो उन्होंने बताया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उन्होंने तो अच्छा बोला था, लेकिन फिर ये क्यों ऐसे करवा रहे हैं, हमारे बेटियों के बेटी बहू के क्यों रोड पर ला रहे हैं, हमारे घर से तोड़ के घर बेघर कर रहे हैं, तो हम तो रोड पर ही आ जाएंगे ना, तो हम कैसे बेटियों को सुरक्षित रख सकते हैं। मेरे 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं। हाँ, 2 लड़की है 2 लड़का, अभी बच्चा मेरा 1 3 साल का है, 1 6 महीना का है। खोरी गांव के लोग अपने घरों को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। बहरी सरकार से गुहार लगाते हुए खोरी गांव के लोगों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर भी विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन उससे भी कोई समाधान नहीं निकला। गर्मी की वजह से प्रदर्शन करते समय महिला बेहोश भी हो गई, लेकिन सरकार अभी भी अंधी बनी हुई है। खोरी गांव के लोग सालों से वहां बसे हुए हैं, जिंदगी भर की पूंजी लगाने वाले अब जाएंगे तो कहां जाएंगे।
खून के आंसू रुलाने वाले प्रशासन इतने पर भी नहीं रुका। एक बार फिर खोरी गांव पर बुलडोजर चलाने की तैयारियां तेज हो गई है। खोरी गांव में बने मकानों को ढहाने की कार्रवाई को अंजाम देने के लिए बुलडोजर चलाने की एक बार फिर तैयारी जो है वो तेज हो गई है, जिसको लेकर पुलिस विभाग ने दिल्ली पुलिस, ITBP और सशस्त्र सीमा बल के साथ निगम अधिकारियों से भी बातचीत की है और मीटिंग की है। DCP NIT डॉक्टर अंशु सिंगला ने कहा कि फरीदाबाद पुलिस की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने के दौरान किसी भी तरह से कानून व्यवस्था भंग नहीं होने देंगे। जिनके द्वारा अतिक्रमण किया गया है उसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार MCF द्वारा तोड़ा जाएगा, जिसके लिए पुलिस MCF को उचित सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। इसके साथ ही ये सुनिश्चित किया जाएगा कि अतिक्रमण हटाने के दौरान किसी के द्वारा बाधा ना डाली जाए। अगर ऐसा होता है तो पुलिस सख्ती से कार्रवाई करेगी। 2022 तक सभी परिवारों के लिए पक्का घर बनाने वाले मोदी जी, 2021 तक आपकी योजना कहां तक पूरी हुई है, देश इसे जानना चाहता है। पक्के घर बनाकर देने वाले मोदी जी अभी तक घरों का ढांचा भी तैयार नहीं कर पाए हैं। प्रधानमंत्री जी, देश जानना चाहता है कि पक्के घरों वाली प्लानिंग कहां तक पहुंची, क्योंकि 2022 आने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। दोस्तों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगी कि सरकार का समर्थन करिए, जरूर करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सच के लिए अपनी आवाज उठाना मत भूलिए। अंत में सरकार से यही विनती करती हूँ कि खोरी गांव के लोगों की परेशानियों का समाधान निकाला जाए। दोस्तों, इस खबर में इतना ही। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि खोरी गांव से रिलेटेड कोई भी अपडेट हम अपने चैनल पर डालते हैं तो आपको नोटिफिकेशन जाए और आप तक वो वीडियो पहुंचे। मिलते हैं आपसे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।